जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए भारतीय रेलवे की एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बिल्कुल अभी अभी थोड़ी देर पहले ही 11:54 पे एक बहुत बड़ा भारतीय रेलवे को अपडेट लेकर के आ रहा है। 14 अप्रैल को यहाँ पर आपको डेट दिख रही होगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ भारतीय रेलवे का क्या बड़ा अपडेट आया है। दोस्तों ये सभी जो भी अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ, हम सभी लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूँ कि भारतीय रेलवे हमारी लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ऐसे में दोस्तों भारतीय रेलवे ने एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आया है। दोस्तों हम सभी लोगों को उम्मीद थी कि भारतीय रेलवे एक बार फिर से 14 अप्रैल के बाद पटरी पे लौट आएगी और सभी लोग अपने अपने घर पे जा पाएंगे, भारतीय रेलवे से यात्रा कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों भारतीय रेलवे ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, खुद रेलवे मिनिस्टर ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बता दो दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के प्रतिबंध जो लगा हुआ था दोस्तों पूरे देश में, आपने देखा होगा, उस प्रतिबंध को पीएम मोदी ने 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ भारतीय रेलवे ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है। आपको बता दूं, यात्री ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि हमने 3 मई तक अपनी यात्री रेल सेवा बंद रखने का फैसला किया है। इससे पहले 21 दिनों के प्रतिबंध की वजह से भारतीय रेलवे को 14 अप्रैल तक के लिए पूरी तरह से भारतीय रेलवे की सुविधाएँ रद्द कर दी गई थी। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, भारतीय रेलवे ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है, जिसके बारे में हम सभी लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे के खुद मिनिस्टर ने ट्विटर पर ट्वीट करके बताया, और दोस्तों उन्होंने कहा है कि जिस तरह से 3 मई के लिए पूरे भारत में प्रतिबंध लगा है, तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कि भारतीय रेलवे में बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, और भारतीय रेलवे में भीड़ होना हम सभी लोगों के लिए भारी पड़ सकता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि मैंने पहले भी एक वीडियो डाल करके बताया था लोगों को कि भारतीय रेलवे अभी भी चलना उसका बहुत मुश्किल है और भारतीय रेलवे नहीं चलेगी। तो कुछ लोगों ने दोस्तों कमेंट किया था कि भारतीय रेलवे पहले से ही उन्होंने बुकिंग चालू कर दी है तो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, और यहाँ तक कि कुछ ने कुछ अपशब्द भी बोले थे। लेकिन दोस्तों फाइनली वही हुआ जो हमने बताया था आपको, बहुत पहले हमने आपको बता दिया था कि भारतीय रेलवे का चलना बहुत मुश्किल है, और आखिरकार वही हुआ। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप चैनल पे जाकर के वीडियो देख सकते हैं, वीडियो पड़ी हुई है भारतीय रेलवे की, जिसमें हमने पहले ही बता दिया था कि भारतीय रेलवे नहीं चलेगी। और अब फाइनली दोस्तों आपने देख लिया, 3 मई तक के लिए भारतीय रेलवे को पूरी तरह से रोक दिया गया है। तो मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, फिर चाहे आपकी टिकट बुक हो या फिर ना हो, क्योंकि रेलवे के मिनिस्टर ने खुद अपने ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर पर ट्वीट करके जानकारी दी है, और उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय रेलवे पूरी तरह से बंद रहेगी। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं कि आपके पैसे वापस आ सकते हैं, जो आपने टिकट बुक करा रखी है उसके पैसे दोस्तों, आपने जहां से भी टिकट बुक कराई थी उसी के माध्यम से आपके पैसे वापस आ जाएंगे। अगर आपने रेलवे स्टेशन पर टिकट जा करके बुक कराई है तो आपको दोस्तों जिस तरह से ये प्रतिबंध हट जाएगा, तो आप रेलवे स्टेशन पर बाद में जाना, अभी टाइम है आपके पास, आपके पैसे कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप बाद में जाएंगे रेलवे स्टेशन पर जहाँ से आपने टिकट बुक कराई थी, वहाँ पर आप अपनी टिकट को दिखा देना, और उसके बाद दोस्तों आपके टिकट को ले लिया जाएगा और आपसे आपको पूरे पैसे वापस दे दिए जाएंगे, 1 भी रुपया आपका नहीं कटेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है सभी के सामने कि भारतीय रेलवे रुक चुकी है 3 मई तक के लिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि 3 मई तक भारतीय रेलवे अब नहीं चलने वाली है। आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरह की सबसे पहले इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिल जाए। आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे भी चैनल हैं जो कि गलत जानकारियां दे देते हैं, कि पहले ही ट्रेनें चल रही हैं नहीं चल रही हैं वो पहले ही बता देते हैं, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी गलत होती है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज दी थी। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, साथ ही इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर कर देना, ताकि सभी लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुँच सके और सभी को पता चल पाए कि भारतीय रेलवे 3 मई तक के लिए पूरी तरह से बंद है और नहीं चलेगी, और आप लोगों के पैसे आपको मिल जाएंगे अगर आपने इस बीच में टिकट बुक करा रखी तो। और दोस्तों आपको बता दूं, यहां पर एक छोटी सी और जानकारी कि आने वाले दिनों में भारतीय रेलवे और आगे बढ़ सकती है, हो सकता है कि और आगे भी भारतीय रेलवे ना चले, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि जिस वजह से भारतीय रेलवे को बंद किया गया है वो रीजन और बड़ा हो रहा है, अभी छोटा नहीं हो रहा है, घट नहीं रहा है, और बड़ा होते जा रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में, ये क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी भारतीय रेलवे को बंद रखा जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको सच्ची और सबसे काम की इन्फॉर्मेशन मिल सके, और वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद।